आए देखें इसका सोल्यूशन वर्किंग कैसे की गई है। लिमिटेड ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ग्रुप का और NIC का और टोटल। अब देखिए इसमें दो ही रखी फिक्रें, हालांकि इसमें और भी ऐड हो सकता था कि रिटेन प्रॉफिट्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें आ सकती थी, लेकिन नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल रखें। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे आए, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंसेस में भी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हमारा उसमें प्री का पार्ट और वो एडजस्टमेंट स्टॉक की वो देखनी है। और प्रॉफिट पीरियड पेरेंट्स और उसका और उसकी वर्किंग, नॉन कंट्रोलिंग की वर्किंग, तो ये तीनों वर्किंग देखनी है और फिर आप देखें कि बैलेंस जो है वो हमारा एंड ऑफ ईयर क्या बनता है। लेट्स सी द वर्किंग फर्स्ट एंड देन वी विल सी दिस फिगर। वर्किंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप 662,300 वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी ऑल्सो, लेकिन इसमें वो 400 जो स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको एडजस्ट किया, बैलेंस आ गया। तो पोस्ट एक्विजिशन क्या हुआ, पोस्ट एक्विजिशन बनेगा टोटल माइनस दी प्री जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो माइनस कर दिया, तो इसका आप 80% लें। क्लियर। सिमिलरली ग्रुप का शेयर बन गया ये, और एडजस्टमेंट नंबर टू वो मैंने वर्कआउट करके दिखी है कि जो क्लोजिंग का बैलेंस नंबर टू है तो वो अलग से आएगा नेक्स्ट। नॉन करंट इंटरेस्ट जो है वो तो सिंपल है, उसमें वो प्री का नहीं है, सिंपल जो उसका प्रॉफिट है पोस्ट एक्विजिशन 143,300 उसका 20% आप ले लें, तो ये आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का आ गया। आगे W3 में बी लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट इन ओन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, अनरियलाइज प्रॉफिट वो 200 का जो डिफरेंस है, एंड प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 21,800। अब इसमें से जो एट्रीब्यूटेबल जो पेरेंट्स है और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 80 और 20, तो ये क्लियरली आ गया। अब देखें इसके वापस जाकर बैलेंस शीट में, कि ओपनिंग में जो वर्किंग से फिगर आई, प्रॉफिट जो कैलकुलेशन से आ गया और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पोर्शन आ गया, डिविडेंड गया 12, और देखिए इस डिविडेंड के बारे में थोड़ा देखें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा देखें ये 6,000 का 20% जो है ये अलग से दिखाया जा रहा है, यानी आपने 436 में ऐड नहीं करना, उसकी रीज़न बता रहा हूँ कि इसको ऐड नहीं कर सकते हम, इसको अलग से ही दिखाएंगे। हालांकि ये बिलोंग करता है टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये लाइबिलिटी में अलग से आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वह पूरी बैलेंस शीट ऐसे सच नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक पोर्शन दिखा रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड हियर।